आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं कोमल गुप्ता। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। फिरोजाबाद में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसमें एक ग्रेजुएट की छात्रा के साथ गांव के ही दबंगों ने किया गैंगरेप। फिरोजाबाद में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसमें एक छात्रा के साथ गांव के ही दबंगों ने किया रेप। मामला दर्ज कर पीड़िता का कराया गया मेडिकल। मामला दो दिन पूर्व का है, जहां एक ग्रेजुएट की छात्रा का गांव के ही 4 से 5 लोगों द्वारा रेप की घटना को अंजाम दिया गया। यह आरोप छात्रा के भाई ने लगाया है। छात्रा के परिजनों ने घटना से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्रा को तत्काल मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा। परिजनों का माने तो पीड़िता घर से बाहर देर रात शौच के लिए गई थी, इसी दरमियान गांव के लोगों द्वारा उसके साथ गैंग रेप किया गया। इसके बाद उसकी बॉडी को सिगरेट से जगह जगह दागा गया। पुलिस ने इस मामले में एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मेरी बहन गई थी सोमवार को शौच के लिए, रात को 10 बजे करीब, तो कुछ दबंग लोगों ने आके उसे उठा के ले गए खेत में से, और दूर एक खेत में जाके उसके साथ। कितने लोग थे? कुछ सर वो बता रही थी 4-5 लोग थे। कितनी बड़ी है सर? मुझसे छोटी है वो। क्या एज है? क्या वो पढ़ती थी? जी सर, किस क्लास में? BSc। एज क्या रही होगी उसकी? 22 या 24 के समथिंग एज होगी सर। बेटा कल ये काम हुआ, लेकिन आज क्यों डॉक्टरी हो रही है? कल ये सब क्यों नहीं हुआ? पुलिस में सूचना दी नहीं तुम लोगों ने? सर पुलिस को सूचना हमने लेट दी थी, क्योंकि हम घर पे अकेले थे। अकेले में हमें होश ही नहीं था कि हम क्या करें आगे, क्या ना करें। नहीं, जैसा सुनने में ये आया कि पुलिस आपका साथ नहीं दे रही थी, जिलाधिकारी को आपने सूचना दी, उसके बाद पुलिस ने मेडिकल पर भेजा है? ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या मामला और क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है? जसराना थाने में एक रेप के मामले में अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें 22 वर्षीय युवती के साथ रात्रि में शौच करने जाने पे उसके साथ कुछ नशा वगैरह सुहा करके उसे बेहोश करके रेप करने की बात आई है। मेडिकल पीड़िता का कराया जा चुका है, जिसमें रेप की पुष्टि हुई है। इसको शीघ्र ही हम लोग अनावरण कर लेंगे, इसके लिए 2 टीमें लगाई गई हैं, अभियोग पंजीकृत किया गया जा चुका है।